मूवी की शुरुआत में हम फ्लावर्स बर्ड का एक झुंड को देखते हैं। सर्दियां खत्म होने के बाद ये माइग्रेशन से वापस अपने घर आ रहे थे, पर उन्हें हमेशा से शैडो नाम के खूंखार बाज से डर लगा रहता था। जब भी वो वापस आते थे तो वो बाज उन पर हमला कर देता था, और आज भी शैडो अपने शिकार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फ्लावर्स का लीडर स्टर्न इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए उसने अपने झुंड के आगे क्रेंस बर्ड के ग्रुप को रखा था ताकि उनके डर से शैडो उन पर हमला ना करे। पर शैडो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वो स्कुआ नाम के एक बूढ़े बाज को उन क्रेंस का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर भेजता है। सारे क्रेंस उस बाज के पीछे भागते हैं, तभी शैडो उन फ्लावर्स पे हमला कर देता है। अस्टर्ना सबको बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर शैडो एक फ्लावर को पकड़ने में कामयाब रहता है। अस्टर्ना काफी दुखी था अपने एक साथी के पकड़े जाने से। उसकी बीवी उसे समझाती है कि अपने आप को दोष मत दो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कुछ दिन बीत गए। अस्टर्ना और उसकी बीवी के अंडे से एक चूजा निकला, जिसका नाम उन्होंने प्लोई रखा। और भी सारे फ्लावर के अंडे से चूजे निकल चुके थे। अस्टर्ना प्लोई को अपने साथ खाना ढूंढना सिखाने के लिए ले जाता है। प्लोई ऊपर उड़ते बर्ड को देखकर अस्टर्ना से पूछता है कि वो कब उड़ना सीखेगा। अस्टर्ना उसे बताता है कि बहुत जल्द तुम भी उड़ना सीख जाओगे, और फिर सर्दी आने से पहले हमें यहाँ से जाना भी होगा। अस्टर्ना प्लोई को पानी में से खाना निकालना सिखा रहा था, तभी वहाँ प्लोवेरी आती है। दोनों साथ मिलकर अपना खाना भी ढूंढते हैं, और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। रात होने के बाद अस्टर्ना अपने ग्रुप की गार्डिंग करता था ताकि शैडो उन पर हमला ना कर दे। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है वहाँ स्कुआ आया था। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बताता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, पर अस्टर्ना कहता है कि वो एक बाज पे कैसे यकीन कर ले। तब स्कुआ बताता है कि अब उसने सब कुछ छोड़ दिया है और वो अब पैराडाइज वैली में जाकर रहेगा, जहाँ कोई खतरा नहीं होता, सब मिलकर रहते हैं। वो अस्टर्ना को बताता है कि शैडो कल उन पर अटैक करने वाला है। उनकी बातें प्लोई सुन रहा था। वो अस्टर्ना के पास आ जाता है। वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गया। स्कुआ अस्टर्ना को वार्न करके चला जाता है। प्लोई अस्टर्ना से पूछता है कि यह पैराडाइज वैली क्या है। अस्टर्ना उसे बताता है कि यह वैली यहीं उन पहाड़ियों के बीच में है। जो बर्ड डर के मारे माइग्रेट नहीं कर पाते वो वहाँ छुप कर रहते हैं। अगले दिन अस्टर्ना अपने प्लोवर के साथ शैडो के हमले से बचने के लिए तैयारी कर रहा था। प्लोई और प्लोवेरिया बाकी सभी बच्चों के साथ फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीखने के लिए जाते हैं। प्लोवेरिया तो अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, पर प्लोई को काफी डर लग रहा था। तभी शैडो उन पर हमला करने आ जाता है। सब भागने लगते हैं। अस्टर्ना का उसे पकड़ने का प्लान भी फेल हो जाता है। प्लोई अभी भी उड़ने की कोशिश ही कर रहा था, तभी शैडो उसे पकड़कर भागने लगता है। अस्टर्ना उसे बचाने के लिए उससे भिड़ जाता है, जिसमें प्लोई थे उसके पंजे से छूट जाता है, पर अस्टर्ना पकड़ा जाता है। शैडो उसे अपने पंजों में दबोचकर वहां से चला जाता है। प्लोई तब से काफ़ी उदास रहने लगा था, उसने खाना भी छोड़ दिया था। प्लोवेरिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उड़ना सीखना होगा, हमें बहुत जल्द अपनी माइग्रेशन भी शुरू करनी होगी। और वो किसी तरह प्लोई को मनाकर अपने साथ ले जाती है, पर वो अब भी उदास ही था। वो कहता है कि उसे नहीं लगता वो उड़ पाएगा। वो उड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी सी कैट प्लोई को अपने पंजों में दबोच लेती है। वो उसे लेकर एक घर में चली जाती है। प्लोवेरिया भी उसे बचा नहीं पाती। वो वापस आकर उसकी मॉम को प्लोई के बारे में बताती है। इधर प्लोई की जब आँख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद था। वो बाहर देखता है सारे प्लोवर अपने माइग्रेशन पे जा रहे हैं। वो प्लोवेरिया और अपनी मॉम को आवाज़ देने लगता है, तभी वो कैट उसके पिंजरे पे झपटती है, जिसकी वजह से वो पिंजरा खुल जाता है और प्लोई किसी तरह से वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। पर तब तक सब जा चुके थे। वो उन्हें खूब आवाज़ें देता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। वो जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो ये विंटर जरूर सर्वाइव करेगा, और वापस से प्लोवेरिया से वो जरूर मिलेगा। इसलिए वो पैराडाइज वैली जाने का सोचता है और अपने सफ़र पर निकल जाता है। पहली बार उसने बर्फ़ को गिरते हुए देखा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे शैडो दिखाई देता है। वो उस पर झपटने लगता है। वो एक जगह पर छुपकर अपने आप को बचाता है, पर जहाँ वो छुपा था वो एक बड़ा सा पक्षी था, जिसका नाम गायरोन था। गायरोन प्लोई को पकड़कर पूछता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं गए। प्लोई उसे कहता है कि वो पीछे छूट गया और अकेला रह गया। प्लोई उसे बताता है कि वो पैराडाइज वैली की तरफ जा रहा है। गायरोन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को डरकर प्लोई पत्थरों के बीच छुप जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है वो वापस से गायरोन के पास ही पहुंच गया है। गायरोन उसे कहता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। प्लोई कहता है उसे नहीं पता था कि वो वहां छुपा हुआ है। गायरोन प्लोई से एक डील करता है। वो कहता है कि वो शैडो को पकड़ना चाहता है, जिसमें उसे उसकी मदद करनी होगी, और उसके बाद वो उसे सही सलामत पैराडाइज वैली पहुंचा देगा। गायरोन प्लोई को अपने पास रखे हुए कुछ चीज़ों को दिखाता है। उसके पास कुछ बुलेट्स और एक सी सेल था, जिसे वो हमेशा से अपने पास रखता था। वो उसे एक ट्रैप दिखाता है और कहता है कि वो इसके थ्रू शैडो को पकड़ेगा, और उसके बाद उसके ऊपर वो बुलेट्स फेंक देगा, जिसके फटते ही वो मर जाएगा।
प्लोई वो ट्रैप लगाकर वहीं बैठकर शैडो का इंतजार करने लगता है और गैरन वहीं पत्थरों के पीछे छिपा रहता है। बहुत टाइम बीत जाते हैं पर शैडो नहीं आता। प्लोई को अब काफी ठंड भी लग रही थी, वो जाकर देखता है गैरन वहीं सो गया है। प्लोई को तभी किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वो जाकर देखता है एक माउस बर्फ के टुकड़े पे खड़ा था। वो प्लोई से वहाँ पड़ी छड़ी को पास करने को कहता है, प्लोई उसकी मदद कर देता है। वो माउस उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। तभी बर्फ के टूटने से प्लोई नदी में बहने लगता है, वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी गारुन आकर उसे बचा लेता है। गारुन उस पर बहुत गुस्सा करता है कि वो यहाँ क्यों आया। वो प्लोई को कहता है कि ऐसे ही यहाँ किसी पे भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो दोनों कुछ खाना ढूंढने लगते हैं। गारुन उसे कुछ पत्तियाँ खाने को देता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। गारुन कहता है कि उसके बेटे को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लोई उसे पूछता है कि अब वो कहाँ है। गारुन बताता है कि एक बार वो खाना ढूंढने के लिए गया था, तब शैडो उसकी बीवी और बेटे को उठाकर ले गया, पर एक दिन वो उस शैडो से अपना बदला जरूर लेगा। प्लोई कहता है कि शैडो ने उसके डैड को भी मार डाला और अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला रह गया, पर वो प्लोवेरिया को फिर से देखने के लिए जरूर ये विंटर सर्वाइव करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। गारुन कहता है तुम जरूर उससे मिलोगे और कल वो पैराडाइज वैली भी पहुंच जाएंगे। गारुन उसे लोरी गाकर सुनाता है। प्लोई उसकी गोद में ही सो जाता है। तभी कुछ देर बाद एक लोमड़ी गारुन पे हमला करता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। गारुन जाते जाते उसे वो सी सेल बजाने को कहता है। प्लोई वो सेल को बजाता है जिसके सुनते ही वहाँ कुछ माउस आ जाते हैं। उनमें से एक वो भी था जिसकी मदद प्लोई ने की थी। वो उन्हें बताता है कि वो लोमड़ी गारुन को ले गया। इधर वो लोमड़ी गारुन को खाने की तैयारी कर रहा था तभी उन माउस का झुंड वहाँ आ जाता है। प्लोई गैरन को बचाने जाता है और तब तक वो माउस उस लोमड़ी का ध्यान भटकाते हैं। प्लोई गैरन को उठाने की कोशिश करता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। वो माउस तब तक उस लोमड़ी को संभाल रहे थे। गैरन अब पूरी तरह से थक चुका था। वो प्लोई से कहता है कि अब आगे का रास्ता वो अकेले ही तय करे क्योंकि अब वो आगे नहीं जा पाएगा। प्लोई उसके लिए कुछ खाना ढूंढने लगता है पर बर्फ की तेज तूफान की वजह से वो गैरन से बिछड़ जाता है। वो किसी तरह अपने आप को बचाता हुआ एक गुफा में पहुंचता है। उसे वहां एक घोंसला दिखाई देता है। वो उस पे लेट जाता है और थके होने के कारण उसे तुरंत नींद भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है वहाँ शैडो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था कि विंटर खत्म होने के बाद वो उसे बहुत सारे फ्लावर ला के देगा। प्लोई धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर एक आवाज़ से शैडो का ध्यान उसकी ओर आ जाता है। प्लोई भागने लगता है पर वो वहाँ से नीचे गिरने वाला था। शैडो उसे पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी गैरन वहाँ आ जाता है और शैडो पे हमला कर देता है। पर शैडो के आगे वो कहाँ टिकने वाला था। वो उसे खींचकर अपने गुफा में ले जाता है। प्लोई को वो बुलेट्स मिल जाते हैं जिसे वो शैडो की गुफा में फेंक देता है। उसके फटते ही वो दोनों उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। गैरन वहीं बेहोश हो जाता है। प्लोई उसे एक आखिरी गुड बाय बोलकर आगे के सफर पर निकल जाता है। प्लोई पैराडाइज वैली के अब काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था पर वो बहुत थक चुका था और वो वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक हिरन आती है। वो प्लोई को अपने सींगों पर बिठाकर पैराडाइज वैली ले आती है। प्लोई को वहाँ बहुत से जानवर मिलते हैं। स्कुआ भी वहीं होता है। वो सब प्लोई का अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ दिन प्लोई उन सब के साथ ही रहता है पर अब सर्दियाँ खत्म होने को आई थी। प्लोई उनसे कहता है कि प्लोवेरिया अब वापस आने वाली होगी, उसे जाना चाहिए। सारे जानवर उसे फिर से एक बार सोचने को कहते हैं क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल सेफ है और उसे वहाँ वापस से खतरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर प्लोई कहता है कि उसे वापस जाना ही होगा और वो एक आखिरी बार वहाँ के एक ऊँचे से पहाड़ पर से कूद कर उड़ने की कोशिश करता है और वो वाकई में उड़ना सीख चुका था। वो सबको बाय बोलकर अपने घर वापस जाने लगता है। फ्लावर्स का ग्रुप भी फिर से वापस आ रहे थे और हमेशा की तरह उसके इंतजार में शैडो भी खड़ा था अपना शिकार करने के लिए। प्लोई देखता है गैरन अभी भी जिंदा है और वो शैडो को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। वो उससे कहता है कि वो जाकर शैडो को यहाँ लेकर आ गए इस ट्रैप में। प्लोवेरिया अपने ग्रुप को लीड कर रही थी तभी उनके ग्रुप पर शैडो का हमला होता है और प्लोवेरिया पकड़ी जाती है। प्लोई आकर उसे बचाता है। प्लोवेरिया सही सलामत अपने घर पहुँच जाती है और तब तक प्लोई शैडो को अपने पीछे भगाकर उस ट्रैप के पास ले आता है पर वो ट्रैप देर से बंद होता है जिसकी वजह से वो उसमें नहीं फंस पाता है। प्लोई अब उसे भगाकर वहाँ के पास के घर में ले आता है और उसे वहाँ के पिंजरे में फंसा देता है जहाँ वो कैट भी था, पर वो उससे भी बचकर निकल आता है और फिर से वो प्लोई के ही पीछे जाता है। प्लोवेरिया भी उसकी मदद के लिए अब आ चुकी थी और वो दोनों उसे ले जाकर एक बड़े से बेल से टकरा देते हैं। शैडो वहीं के एक गड्ढे में गिर जाता है और गैरन कूदकर उसके ऊपर पूरी मिट्टी का एक ठेला डाल देता है और अब फाइनली वो लोग उस शैडो से छुटकारा पा चुके थे। प्लोई जाकर अपनी मॉम से मिलता है। वो सब उसे वापस से देखकर काफ़ी खुश थे। गैरन वापस जाने लगता है। प्लोई उसे रोकता है और उसे गले लगकर सब कुछ के लिए एक बार फिर से थैंक्स बोलता है। प्लोई प्लोवेरिया से भी अपने दिल की बात कह देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।